प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के तृतीय पाठ गो दो एनम नामक नाटक यानी नाटक को पढ़ रहे हैं, जिस नाटक के नाटक का कृष्णचंद्र त्रिपाठी है। इसके कुछ दर्शे के रूप में दिया गया है, प्रथम दर्शे, द्वितीय दर्शे, तृतीय दर्शे, चतुर्थ दर्शे, पंचम दर्शे, षष्ठ दर्शे, यानी भागों के रूप में विभाजित किया गया है। तो हम सब कुछ दर्शों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज तृतीय दर्शन का अंतिम और चतुर्थ दर्शन को प्रारंभ करेंगे। तो इससे पहले इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है जो प्रसन्न रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है और धनवान बनना चाहता है। ऐसी इच्छा से ही अपने कार्य को करता है। तो कल हमने जो पढ़ा था, एक बार इसको पुनः दोहरा लेते हैं। सबसे पहले नाटक के रूप में जो उसका प्रसन्न था, वो हमने कल ये लिखा था कि प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के गो दोहनम पाठ से उद्धृत है। यह पाठ कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित एकांकी संग्रह चतुर्व्यूहम से संकलित है। प्रस्तुत नाट्यांश में चंदन मैने के अंत में ग्राम मुखिया के घर पर होने वाले महोत्सव के लिए 30 लीटर दूध की व्यवस्था के लिए योजना बनाता है और वो किस प्रकार से अपनी पत्नी के साथ मिलकर योजना को बनाता है, यह हमने कल पढ़ा था, जिसका हिंदी अर्थ था चंदन मलिका के प्रति, यानी चंदन मलिका के प्रति गांव के मुखिया के घर पर महीने के अंत में महान उत्सव होगा। तो चंदन मलिका को कहता है कि गांव के मुखिया के घर पर महीने के अंत में एक बहुत बड़ा उत्सव होगा, महान उत्सव होगा। वहां 30 लीटर दूध हमें देना है और इस उत्सव में 30 लीटर दूध हमें देना है मलिका। किंतु इतना दूध कहां से प्राप्त करेंगे? तो मलिका ने कहा, इतना दूध कहां से प्राप्त करेंगे? तो चंदन, सोचो मलिका, हर रोज दूध दुह कर रख देंगे परंतु वह सुरक्षित नहीं रहेगा। यानी पहला तो हमारे पास में ऑप्शन यह है कि हम हर रोज दूध निकाल कर रख दें, लेकिन उसे तो सुरक्षित नहीं रहेगा। अतः दूध का दोहन न किया जाए। फिर दोनों ने मिलकर निर्णय किया कि दूध का दोहन नहीं किया जाए, यानी दूध निकाला ही न जाए। उत्सव के दिन ही सारा दूध दो लेंगे, तो महीने के अंत में जो उत्सव है उसी के दिन ही सारा दूध निकाल लेंगे। मलिका, स्वामी, तुम तो सबसे अधिक चतुर हो, बहुत उत्तम विचार। अब दूध दोहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। इससे अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त कर लेंगे। तो मलिका ने चंदन से कहा, स्वामी, तुम तो सबसे अधिक चतुर हो, बहुत उत्तम विचार है। अब दूध दोहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। इससे अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त कर लेंगे। यह कल हमने पढ़ा। आज जो हम प्रारंभ करेंगे तृतीय दर्शन का जो आठवां अध्यांश है उसके बारे में। तो देखो, पहले संस्कृत में देखिए, द्वावे धेनो सेवायम निरतो भावतः अस्मिन् क्रमे घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोजित कदाचित विषाणियो तेलम लेपित तिलकम धारित रात्रो निराजेन अपि तोषित चंदन मलिके आगच कुंकारम प्रति चलावे दुग्धार्थम पात्र प्रबंध अपि करणीय द्वा एव निर्गतो। यह
अब पहले इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। दुआ एव यानी दोनों, मलिका और चंद्र, धेनु गाय की, सेवायाम सेवा में, निरतो भावते लग गए, अस्मिन करिमे इसी प्रसंग में, घास आदिकम गुड़ आदिकम च, घास और गुड़ आदि भोजते खिलाते हैं, कदाचित कभी, विषाणियों सिंहों पर, तेलम लेपते तेल आदि चिकना लेप करते हैं, तिलकम तिलक धारित लगाते हैं, रात्रो रात में, निराजेन अपि दीपक जलाकर, निराजेन अपि यानी दीपक जलाकर तोषिते संतुष्ट करते हैं, मलिके आगच मलिका आओ, कुंभकार कुमार प्रति चलाव कुमार के घर की ओर चलते हैं, दुग्धार्थम दूध के लिए, पात्र प्रबंधो अपि समुचित पात्र की व्यवस्था भी करणिया करनी है, द्वारे दोनों ही निर्गतो निकल गए। तो प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमूसी के गोदोहनम पाठ से उद्धृत है। यह पाठ कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित एकांकी संग्रह है, चतुर्वहम से संकलित है। प्रस्तुत नाट्यांश में चंदन और मलिका को नंदिनी गाय की पूजा अर्चना एवं सेवा तथा अलंकृत करते हुए बताया गया है। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ। दो एक धेनु सेवायाम निर्वतो भावतः। चंदन और मलिका दोनों ही गाव की सेवा में संलग्न हो जाते हैं, यानी दोनों ही, दोनों कौन, चंदन और मलिका गाय की सेवा में संलग्न हो जाते हैं, यानी लग जाते हैं या जुट जाते हैं। अस्मिन् कर्मे घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोजित, इसी कर्म में उसे घास तथा गुड़ आदि खिलाते हैं और इसी कर्म में उसे घास तथा गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाणु तेलम लेपते तिलकम धारिते, और कभी सिंगों पर तेल लगाते हैं, और कभी सिंगों पर तेल मलते हैं और तिलक लगाते हैं। रात्रो निराजन अपि तोषिते, और रात में दीपक चलाते हुए संतुष्ट करते हैं, तो कभी सिंहों पर तेल मलते हैं, तिलक लगाते हैं तथा रात में दीपक चलाते हुए संतुष्ट करते हैं। चंद्र चंद्र मलिके आगच कुंभकार प्रति चलावे, मलिका आओ कुम्हार के पास चलते हैं। फिर चंदन कहता है मलिका आओ कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंध अपि करणीय, दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था भी तो करनी है, और दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था भी तो करनी है। द्वार एवं निर्गतो, ऐसा कहकर दोनों निकल जाते हैं। तो ये हमारा तृतीय दर्शन का आठवां अंत अध्यास था। एक बार वापस देखें, सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत नाट्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक सेमूसी के गोदोहनम पाठ से उद्धृत है। यह पाठ कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित एकांकी संग्रह चतुर्भुवन से संकलित है। इस नाट्यांश में चंदन और मलिका को नंदिनी गाय की पूजा अर्चना एवं सेवा तथा अलंकृत करते हुए बताया गया है। फिर इसका हिंदी अर्थ देखेंगे।
चंदन और मल्लिका दोनों ही गाय की सेवा में संलग्न हो जाते हैं, अर्थात जुट जाते हैं या गाय की सेवा में लग जाते हैं। इसी क्रम में उसे घास तथा गुड़ आदि खिलाते हैं, यानी इसी क्रम में उसे घास तथा गुड़ आदि खिलाते हैं। कभी सींगों पर तेल मलते हैं, कभी उसकी गाय की सींग होते हैं उन पे तेल लगाते हैं या मलते हैं, तिलक लगाते हैं तथा रात में दीपक जलाते हुए संतुष्ट करते हैं, यानी गाय को संतुष्ट करते हैं। चंदन मल्लिका आओ कुमार के पास चलते हैं, दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था भी तो करनी है, तो निकल जाते हैं। तो चंदन मल्लिका से कहता है कि मल्लिका आओ कुमार के पास चलते हैं, दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था भी तो करनी है। इस प्रकार से बातचीत करते हुए दोनों निकल जाते हैं। आज जो हमारा चतुर्दशम है, इसका जो नौवां गद्यांश है वो भी पढ़ेंगे, वो इस प्रकार से है। पहले संस्कृत में देखिए, कुंभकार गठर चनायाम निनय गायते ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि गठानं जीवनं भंगुरं सर्वे यथा एषे मृत्तिका घटे चंदने नमस्करोमि ताते पंचतस्य गठान इच्छामि किं दास्यसि देवेश कथम नय विक्रयणा एव इति ग्रहण घटान पंचस्तोत्र उपकारि चैतेहि। यह चतुर्थ गद्यांश है, चतुर्थ दर्शियों का नौवां गद्यांश है। तो पहले देखो, गठर चनाया गढ़ा बनाने में रथ, यानी गढ़ा बनाने में लगा हुआ कुछ गाता है। यथा ऐसे जैसा यह मृतिका गठ मिट्टी का घड़ा भंगुर है, नाशवान और टूटने वाला है, तथे वैसे ही सर्व सारा जीवनम जीवन भी क्षणिक है, क्षण मात्र रहने वाला है। ज्ञात्वा अपि ऐसा जानते हुए भी जीविका हेतु आजीविका के लिए गठान अहम घरों को मैं रचिया में बनाता हूँ या रचना करवा। नमस्कार कुरुति तात नमस्कार बंधु पंच दस्य गठान इच्छा में पंद्रह घड़े चाहता हूँ किम दासी क्या दे दोगे कथम नहीं क्यों नहीं विक्रयणाय एव इति घड़े बेचने के लिए ही है। ग्रहणान कठाम गढ़ों को अपनाओ पंच स्तोत्र काणी च देही और 500 से अधिक रुपए दो। ये इसके कुछ शब्द थे। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ कुंभकार है, यानी कुंभकार कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जिसे हमारी भाषा में कुमार या कुमार कहते हैं। गठर रचनायाम लीनय गायति गढ़ा बनाने में व्यस्त हुआ गाता है, यानी कुंभकार गढ़ा बनाने में व्यस्त यानी लगा हुआ है, वो कुछ गाता है। क्या गाता है देखो, ज्ञात्वा अपि जीविको हेतु रचयामि गठानं जिस तरह जीवन बंगुर सर्वे यथा एषम मृत्तिका घटे जिस तरह यह मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, जिस तरह यह मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है उसी प्रकार यह सारा जीवन क्षण भंगुर है। इसको जानकर भी मैं घड़े का निर्माण करता हूँ। जीवनम भंगुर सर्व ऐसा मृतिका घटे ज्ञात्वा अपि जीविको हेति रचामि कर्ता जिस तरह यह मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है उसी प्रकार यह सारा जीवन क्षण भंगुर है। इसको जानकर भी मैं घरों का निर्माण करता हूँ। चल नमस्कारोमिता हेता
मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। पंच दश गठान इच्छा में पंद्रह गढ़े चाहता हूँ, किम दास से क्या दोगे? तो चंदन एकात में आपको नमस्कार करना चाहता हूँ, पंद्रह गढ़े चाहता हूँ, क्या दोगे? देवेश, कथम नहीं, क्यों नहीं? विक्रणाय एव एते, बेचने के लिए ही तो है। क्यों नहीं? बेचने के लिए तो है। ग्रहण गठान, गढ़े ले लो, पचास उत्तरो रुकाने चाहिए और 500 रुपए दो। कि घड़े ले लो और 500 रुपए दो। तो इसका प्रसंग है प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के गोदोहनम पाठ से उद्धृत है। यह पाठ कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित एकांकी संग्रह चतुर्भुज से संकलित है। प्रस्तुत नाट्यांश में चंदन गाय के शरीर में अतिरिक्त दूध को रखने के लिए कुम्हार के पास घड़े खरीदने जाता है तथा उनकी कीमत को ज्ञात करता है। फिर इसका हिंदी अर्थात कुंभकार है। घड़ा बनाने में व्यस्त हुआ कुछ गाता है, जिस तरह यह मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, उसी प्रकार यह सारा जीवन भी क्षण भंगुर है, समय आने पर नष्ट होने वाला है। इसको जानकर भी मैं घड़ों का निर्माण करता हूँ। चंदन हे तात, मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ, यानी चंदन उस कुंभकार को नमस्कार करना चाहता है। पंद्रह घड़े चाहता हूँ, क्या दोगे? तो चंदन कहता है तात, मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ, पंद्रह घड़े चाहता हूँ, क्या दोगे? देवेश, क्यों नहीं? बेचने के लिए तो है। तो देवेश यानी इस कुंभकार ने कहा, क्यों नहीं? बेचने के लिए है, घड़े ले लो और 500 रुपए दे। यानी 15 घड़ों की कीमत 500 रुपए है, तो आप घड़े ले लो और 500 रुपए दे दो। इस प्रकार से कुंभकार और चंदन के बीच में वार्तालाप होती है और दोनों आपस में जो बात करते हैं वो चतुर्दर्शी का जो नौवां गद्यांश है इसमें बताया गया है। और इससे आगे क्या है वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।